सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने सुना होगा। जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको कंपाउंडेड रिटर्न अगर मिलता है, आपको ये जानना हो कि पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा, तो या तो आप कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी एजेंट के साथ बैठे हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, कुछ कैजुअल कॉन्वर्सेशन चल रहा है और आपको ये डिटरमाइन करना है कि पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप रूल ऑफ 72 यूज़ कर सकते हैं। तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मान लीजिए एक फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है जहाँ पे आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, तो आप 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कीजिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ 12, तो हमको 12 ईयर्स लगेंगे या 12 साल लगेंगे पैसा डबल करने में 6% पे। वहीं अगर किसी म्यूचुअल फंड से हमको 10% पर एनम रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, तो पैसा डबल करने में हमको जो टाइम लगेगा वो होगा 72 डिवाइडेड बाय 10, जो आता है कुछ 7.2 ईयर्स या फिर लगभग 7.5 साल। इस रूल को आप दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये जानना है कि 5 साल में अगर आपको पैसा डबल करना है तो आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो आप 72 को अपने नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कीजिए, उससे जो आपको नंबर मिलता है वो होता है रेट ऑफ रिटर्न दैट यू रिक्वायर टू डबल योर मनी। तो अगर हमें 5 साल में पैसा डबल करना है तो 72 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 14.4%, तो हमें 5 साल में अगर पैसा डबल करना है तो 14.4% रिटर्न हमें चाहिए। अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, तो आप एक क्विकली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए होगा, एंड दैट्स गोइंग टू बी 72 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ 24% पर एनम। तो 24% रिटर्न मिलना आज की डेट में बहुत ज़्यादा अनलाइकली है, तो अगर आपको ये प्रॉमिस कर रहा है सो यू कैन क्विकली डिटरमाइन कि आपको एक अनरियलिस्टिक फिगर बताया जा रहा है। हम कई बार रूल ऑफ 69 भी सुनते हैं अलॉन्ग विद द रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 69 इज ऑल्सो द सेम, जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ 72 यू यूज 69। मैथमेटिकली रूल ऑफ 69 इज मोर एक्यूरेट, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। जहाँ तक हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं जहाँ पे हमें 4% से लेके 15-20% तक रिटर्न मिलता है, इस रेंज के लिए रूल ऑफ 72 भी काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। 69 की जगह 72 इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि 72 को काफ़ी सारे नंबर से डिवाइड करना आसान है। 72 को आप 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, 12 से, 18 से बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, जबकि 69 को इतने सारे नंबर से डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। सो फील फ्री टू यूज़ रूल ऑफ 72 व्हेनेवर यू हैव टू मेक सम क्विक कैलकुलेशंस, बट रिमेंबर इट्स अ रूल ऑफ थंब जो आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स देता है। टू डू द एग्जैक्ट कैलकुलेशंस यू शुड यूज़ अ कैलकुलेटर। सो दिस वॉज योर होस्ट अनमोल गुप्ता फॉर द शो मनी की बात। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।